हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बताने वाली हूँ होममेड फ्रेश क्रीम के बारे में। होममेड फ्रेश क्रीम हम घर पे भी बना सकते हैं, हमें मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्रेश ही यूज़ कर सकते हैं उसे। सो होममेड क्रीम के लिए हमें चाहिए आधा लीटर भैंस का दूध, जिससे हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्रीम मिल जाएगा। गाय के दूध से भी हमें क्रीम मिलता है, बट उतना क्वांटिटी में नहीं मिलता जितना हमें भैंस के दूध से मिलेगा। तो चलिए पहले इसे गर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है, उसमें हमें दूध निकाल लेना है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो क्रीम निकालने के बाद इसमें आप पानी ऐड कर सकती हैं। अब हम इसे गर्म करेंगे। दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, बॉयल आने तक का वेट करते हैं। दूध अब बॉयल होने आ गया है, इसे मैं बस बॉईल नहीं करूंगी, यहीं तक मैं इसे रखूंगी और मैं गैस ऑफ़ कर दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये दूध पूरी तरह से कोल्ड हो जाए और इसके ऊपर जो है ना उस पर क्रीम की लेयर आ जाएगी। वो क्रीम की लेयर से हम फ्रेश क्रीम बनाएंगे। तो पहले इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखते हैं ओवरनाइट के लिए। हमने दूध को ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दिया था, अभी पूरी तरह से ठंडा हो गया है और इसके ऊपर क्रीम भी एकदम अच्छी तरह से लेयर में हो गई है। इसी लेयर को हमें निकाल के रखना है, इसी से हम फ्रेश क्रीम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं, स्पून से हम इसे कवर करके अच्छे से इसे निकाल लेंगे। एक बाउल में ले लेंगे, ये हमें फ्रेश क्रीम मिल गई है मिल्क से। इसे जब हमें यूज़ करना होगा तो हम एक स्पून ले लेंगे, इस स्पून से हमें सिर्फ इसे थोड़ा सा बीट कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश होममेड क्रीम रेडी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही अच्छी क्रीम मिलती है हमें मिल्क से। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।